ब्रज क्षेत्र में ना जाने कितने ऐसे मंदिर, ऐसी जगह हैं जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं या जिनको मालूम ही नहीं कि उस जगह का महत्व क्या है। ऐसी ही एक जगह है शेष साई। कोसी कला से खरौट से आते हुए आपको ये मंदिर मिलेगा जहां पे कहते हैं कि क्षीर सागर एक कुंड है, यहां से एक मूर्ति मिली थी जैसे हम पौड़ा नाथ जी के नाते रहते कहते हैं वो सो गए, मतलब विष्णु भगवान जी की जो मूर्ति है वो सोए स्थिति में है और इस जगह का अपना एक महत्व है। तो इस जगह के बारे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे। आप आइए यहाँ पर और ब्रज क्षेत्र में आके अपने आप को धन्य करें। बोलो राधा रानी की, नारायण भगवान की जय। ये शेख साई है भैया, शेख साई का मतलब है शेष जो रह जाए वो स्थान है। ये ब्रज का लास्ट है इसलिए इसको शेष बोलते हैं। यहाँ पौड़ा नाथ जी विराजमान है लक्ष्मी जी के साथ में और ये आप जो सामने क्षीर सागर देख रहे हो, इस क्षीर सागर में ही पौड़ा नाथ जी का प्राकट हुआ है, इसी में से निकला है। तो ये क्षीर सागर है, यहाँ पौड़ा नाथ जी विराजमान है लक्ष्मी जी के साथ में, ब्रह्मा जी उनके साथ में है। कहते हैं कि जय हो ब्रज के सब गामन की, जहाँ बास करे नर नारी की जय जय। कि जय हो ब्रज कान तड़ागन की, जहाँ धेनु चरे बनवारी की जय जय। कि जय हो ब्रज कूप तलावन की, जहाँ पानी भरे पनहारी की जय जय। कि जय हो ब्रज भक्तन संतन की, कि जय हो ब्रज भक्तन संतन की, और बोलो श्री नंद के लाला की जय जय। तो ये स्थान बड़ा ही दिव्य स्थान है, इससे आगे थोड़ा नंदनवन है जहाँ नंद बाबा ने यशोदा मैया ने बैठ कर के तपस्या की है, वो स्थान आपको थोड़ा आगे दिखाएंगे। ये शेख साई है भगवान क्षीर सागर में लेते हुए, आज से 5 महीने के लिए भगवान विश्राम के लिए चले जाएंगे। 5 महीने किस लिए, कि 1 महीना अधिक का बढ़ गया है, नहीं तो हर साल 4 महीने के लिए भगवान सोते हैं। अब की बार 5 महीने के लिए पौड़ा नाथ जी पहुँच जाएंगे, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहेंगी, तो मांगलिक कार्य सब बंद हो जाएंगे। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, क्षीर सागर की जय। भैया ये शेष साई पौड़ानाथ ठाकुर जी का गांव है, यहाँ आज से हजारों वर्ष पहले ठाकुर जी इस क्षीर सागर से ही ये शेष पौड़ानाथ जी प्रकट हुए हैं और ये साक्षात निधि हैं, प्रकट निधि हैं। जैसे बाकी बिहारी वृंदावन में प्रकट हैं, राधा वल्लभ जी प्रकट हैं, राधा रमन जी प्रकट हैं, ऐसे ये शेष साई श्री हरि नारायण भगवान प्रकट ठाकुर हैं, इसी क्षीर सागर से ये प्रकट हुए। एकमात्र क्षीर सागर पौड़ानाथ शेष साई गांव यहाँ मौजूद है कोसी से आगे। यहाँ की लीला ये है कि ये क्षीर सागर में श्री हरि चतुर्मास का महीना चालू हो गया है और 4 महीने ब्रजमयी सभी 33 करोड़ देवता ब्रजमयी निवास करते हैं। तो इस दौरान शेषनाग भगवान के ऊपर विराजमान होकर ठाकुर श्री हरिनारायण और लक्ष्मी माता ब्रह्मदेव सब यहीं विराजमान। राजभोग यही यहाँ पर हमारे गांव के पास खुली गांव है, वहाँ से दो भक्त चले, तेज आवाज, हाँ दो भक्त चल दिए जी वहाँ से कि चलो आज से हमको 84 कोस की परिक्रमा करते हुए जब अनुराधपुरी चलना, तो ऐसे ही अपने जब अनुराधपुरी शक्ति जनवृत्ति करेंगे। कुछ दूर निकल गए तो चलते चलते उनके पैरों में हाथों में जीप पड़ गई जिनको कीड़े बोले। कुछ समय चलने के बाद उनको स्वप्न दिया जगन्नाथ जी ने कि भक्त जनों आप तो थक जाओ,
यहाँ से एक साई, यहाँ एक जंगल है, वहाँ एक श्यामा बलुआ था और वहाँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मी नारायण स्वयं विराज, और वो श्यामा का शाम को जब निकलती है तो दूध पिला, तो वहाँ कर लोगों ने निरीक्षण किया तो शाम के समय 7-8 बजे का वो दूध पिलाती है और तुम भाई वहाँ से उनको निकलवाते, ये विलीन है। फिर वहाँ से जो कुछ ऐसा इतिहास बना करके चार हमारे दो चार गांव में उनके बीच में आना हुआ है, और आने के बाद वहाँ से इनकी जो है का खुदाई चालू कर दी, इसका खोदना का कार्य चालू, तो अंदर से आवाज़ आती है भैया प्यार से निकालो मेरे लग्न। तो वहाँ से जब ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी ने निकाली, फिर यहाँ पर ये चार गांव बोले भैया हम ले चलेंगे अपने यहाँ, हम ले चलेंगे। फिर मान्य फैसला ये हुआ कि जहाँ तक ये चल जाए वहाँ तक ठीक है, तो कहने का मतलब ये शेख साई गांव पे आके उनकी गाड़ी के पहिया जमीन में चले गए। तो फिर यहाँ उस समय से 500-700 साल से उनको यही विराजमान कर दिया। कितना पुराना मंदिर है ये? रिकॉर्ड में 1000 साल है गई, कभी हरा 1000 साल हुए। तो ये सामने क्षीर सागर छीसार से भगवान विष्णु की उत्पत्ति। हाँ ये रंग है रंगीले को, दशरथ के, छबीले को, कुंती के, पांचों को, अंजनी के, अकेले को। रंग रहे रूप रहे काया रहे अचेत, और पीने वाले मस्त रहे बूटी करे सचेत। प्याला प्रेम का चिन्नामृत नेम का, रहना एक अंत का यही पता संत का। हरी में हर वस्ते काली दे विजया छनी, जमुना जी को अंश और पहले बूटी छान के, पीछे मारो कंस सवेरे फिर छनेगी सवेरे फिर सने। भगवान के पास भी सैया पे जा रहे हैं, दयालु आए नहीं है वो, उसको समझा देना बोलती का बड़े पत्ते थे। जय हो आपकी दयालु, जय हो, सही से रहे, जय हो आपकी महाराज, आप बड़े शिरोमणि हो। शिरोमणि तो हम ना, पर कह रहे सही, भक्तन के दास, दास आपके मुकुटमणि, समझ गए, आप भगवान के मुकुट की मणि हो, जो मुकुट में चमकती है ना वो आप ही हो जी। हाँ चलो अच्छी बात, लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझेगा, वही रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नृत्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेंगे उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। जन के लाला की जय। ठाकुर जी थे, अच्छा आप पहली बार आए हो ना, मैं आशा करता हूँ। यहाँ नंद बाबा जसोदा जी ने तपस्या की थी तो भगवान नारायण ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। नंद जसोदा तप कियो मोहन से मल्ला, देखन चाहत बाल सुख रहे कछुक दिन जाए। यह नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र पड़े आए, चार बधाई रीत सब कर जसोदा में। यहाँ नंदवन धाम में जिला मथुरा तहसील छाता गांव हताना रज 84 कोस परिक्रमा में मौनि बाबा आश्रम। ये चमेली वन है हनुमान जी का मंदिर। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से आज ब्रज के बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोहर स्थली में आज हम बैठे हैं, जिसका नाम है चमेली वन। ये बड़ा ही दिव्य स्थल है, ठाकुर जी की ये कीड़ा भूमि है, नित्य ठाकुर जी यहाँ पर आज भी नित्य लीला करने के लिए पधारते हैं। तो ये चारों तरफ आप जो छटा देख रहे हो ये चमेली वन की देख रहे हो। आज चमेली वन में आने का सौभाग्य श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ।
धन्य हैं हम और धन्य हैं आप जो कि इस ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली पर बैठकर इस समय आनंद ले रहे हैं। हर जीव पर ठाकुर जी की कृपा होती है और हर जीव उसी ठाकुर जी की कृपा से ही चलता है। आज उन्हीं की कृपा से इस मनोहर स्थली में चमेली वन में हम लोग और आप लोग बैठकर अगर इस दिव्य स्थली का आनंद ले रहे हैं जो ये तो अपने इष्ट की ही कृपा है। जरूर इस चमेली वन में एक बार आएं और बड़ा आनंद लें, आपको भी बड़ा आनंद यहाँ आकर प्राप्त होगा। यहाँ के तो कहने ही क्या, हम तो एक ही बात जाने, ब्रज के लोग जो हो ना बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बात कहें, इस स्थली पे आकर एक ही चीज आपके साथ में होगी, वो चीज क्या है हमारे रसिक लोगों ने उसको गाकर सुनाया है। कैसे कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इन जगहों का आनंद केवल पागल ही ले सकता है। यहाँ बैठकर एक इच्छा तो ये हो रही है कि ठाकुर जी को एक श्रृंगार का पद सुना दिया जाए। समय तो राजभोग का हो रहा है लेकिन श्रृंगार का भी पद होना अति अनिवार्य है। तो एक तरफ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, एक तरफ हमारी लाली किशोरी जी बैठी हुई हैं, तो उन दोनों का देखो किस तरीके से खेल हो रहा है, ये आप इस पद में सुने। इत बन माल इत भ्रकुटी विशाल, इत माथे मुकुट इत बेंदी बाल दीना है, इत सो बजावत है बांसुरी अनूप राग, इत सो बजत है नूपुर और झीना है, इत पीतांबर इत चूंदरी अनूप रंग, इत श्याम रंग देखो इत गौर रंग दीना है, जोड़ी है अनूठी, जोड़ी है अनूठी उपमा लागे सारी झूठी, श्री राधे सोने की अंगूठी श्याम नीलम नगीना है। तो ब्रज की बात तो बड़ी निराली है, हमारे ब्रजवासी लालाते क्या कह रहे हैं अब ये सुनो। और कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करो, यह सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी, ललित किशोरी प्राण धन जीवन। भैया ये तो ब्रज का एक खिलौना है, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। राधे 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 राधे। और मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, और मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो श्यामा प्यारी, चरण कमल के जा भांग चले तो खीर सागर पे आजा, ऐसी आवे हर गुण गावे हाथी के होला पे श्री कृष्ण नजावे, हरि में हर बसे और भोली में भगवान, जागर विजया न छने वो हर भूतमान, वृंदावन विजया छनी जमुना जी को अंश, पहले बूटी छान के और फिर चांस, जिंदा तारण भंग है तो मुड़ा तारण गंग,
साधन गाए संतन खाए खाए तुम गाए जो विद्या की करे निंदा वाए खाए कार माए कौन गाल का जिसने पूरा छोड़ा ना बाल का खपर बंदाई माल का छान रहे इसके बाल का सकारे भैया फिर चलेगी बोल कृष्ण वरदेव की।